नमस्ते दोस्तों, मैं कृतिका कटोच कन तो देखा है समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर किया पलटवार, बोले अस्थिरता कने बखुलाहट चाहिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार। हिमाचल गगरेट विधानसभा के पूर्व विधायक कालिए दी कांग्रेस वापसी, बीजेपी जो बोलिया अलविदा, दिल्ली च राजीव शुक्ला ने दिलाई सदस्यता, उपचुनाव च बनाई सकते प्रत्याशी। चिंतपूर्णी मंदिर मत्था टेकी ने अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर साधे निशाना, बोले प्रदेश की 30 लाख भैन जो कितनी लाख भैन जो 1500 रुपये मिली ही आ, इधर जवाब प्रदेश सरकार दे कुनी रोकिया था। भाजपा नेता सुधीर शर्मा बोले हिमाचल सरकार प्रदेश की महिलाओं से 1500 का फार्म फिर भरवाई ने उन्होंने छल कर दी। हिमाचल युवाओं ने यूपीएससी परीक्षा च लहराया परचम, सबसे अच्छा नतीजा जिला मंडी सफाई ठेकेदार की कुड़ी तरुणा कमल ने परीक्षा च 203वां रैंक हासिल किया। ड्रग्स तस्करी मामले च पंजाब दे पूर्व मंत्री दे मुंडू दे पूछताछ दे दौरान पता चलिया कि पहले भी से शिमला आए थे कि उन्होंने चिट्टे सप्लाई की थी। इस मामले चुके महिला जो भी पकड़े गए जो नेपाल की रहने वाली है, पुलिस जांच हो खुलासा। देश बनिया 66 दवाओं के सैंपल फेल हो, हिमाचल च भी 20 दवाओं के सैंपल फेल है। राज्य दवा नियंत्रण मनीष कपूर ने बोले कि कंपनी जो कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए, स्टॉक वापिस मंगने के निर्देश भी दिए गए। मुंबई के तिलक नगर के रहने वाले किशन शर्मा का माँ ब्रजेश्वरी के प्रति अटूट आस्था है, पिछले 15 साल से कांगड़े के ब्रजेश्वरी मंदिर लगा दे लंगर। हिमाचल के शक्तिपीठा के मंदिरों से नवरात्रे पर आस्था का उमड़े सैलाब, चैत्र नवरात्रे पर प्रदेश के मात्र 6 बड़े मंदिरों से 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने मत्था टेकया। हिमाचल च मौसम कल्ले तो फिर बिगड़ी आना है, मौसम केंद्र शिमला के मुताबिक 18 से लेकर 21 तक प्रदेश बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किए गया है। पहाड़ी अंदाज 10 बड़ी खबरें दिखने वास्ते तुम दिखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।